हाँ ये दोस्तों माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों स्मार्ट वॉच जो हैं वो मेरी भी एक फैंटसी थी और आप लोगों की भी शायद हो कि ये स्मार्ट वॉच क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, इनके ज़रिए हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। तो ये वो तमाम सवाल थे जो कि मेरे जहन में थे और हो सकता है कि आपके भी हों। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक स्मार्ट वॉच है, ये वेव फन की ADS स्मार्ट वॉच है। हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसके तमाम फीचर भी समझेंगे। तो दोस्तों ये हमारी ADS वेव फन की स्मार्ट वॉच है। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसके डब्बे के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये इसके अंदर एक गत्ता सा है, शायद इसका वारंटी कार्ड हो। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारी स्मार्ट वॉच है। पैकेज के अंदर से निकालते हैं, ये देखिए बिल्कुल छोटी सी है, पाम साइज़ के ऊपर आती है, हमारी हथेली के ऊपर आसानी से आती है। चलें उसके बाद देखते हैं ये इसकी हिफाजत के लिए। उसके बाद इसके नीचे देखते हैं दोस्तों, ये इसकी जो है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है। मैग्नेटिक चार्जिंग का मतलब ये है कि एक तरफ से ये USB है, दूसरी तरफ से ये मैग्नेटिक है, ये इसके दो मैग्नेट लगे हुए हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये इसके दोनों पटे हैं और ये रबड़ के हैं। यहाँ पर भी वेव फन की ब्रांडिंग है, जिसको अगर हम खींचें तो ये देखिए इससे ज़ाहिर होता है कि रबड़ के हैं, खींचे भी जाते हैं। उसके बाद अगर मैं मज़ीद देखूँ तो क्या है जनाब, ये इसकी यूज़र मैनुअल है, इसके अंदर इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस होंगी। हम अपनी वॉच को चालू करते हैं। वॉच का डायल जो है कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा इसका डायल है। पीछे अगर इसको देखें तो यहाँ पर इसके जो मैग्नेटिक चार्जिंग वाली लगती है, यहाँ पर उल्टी सीमत में अगर लगाने का खतरा होता है ये नहीं पकड़ती, देखिए दूसरी को दूसरी तरफ धकेल रहा है, लेकिन इस तरफ से आसानी से सीधा ही एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर जाकर चिपक जाता है जहाँ पर इसने चार्जिंग करनी होती है। ये दो पॉइंट हैं, ये इन दो जगहों के ऊपर लगेंगे। उसके बाद अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें तो आपको दो सेंसर नज़र आएंगे, ये माप के जिसम की मुख्तलिफ चीज़ें मालूम करने के लिए, आपके हार्ट रेट, आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका PP, ये चीज़ें मालूम करने के लिए यहाँ पर दो सेंसर दिए हुए हैं, ये सेंटर में आपको नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इसके एक ही बटन है और इसके ऊपर कोई भी बटन नहीं है, जस्ट सिंगल वन। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, को यूँ इसको घुमाते हैं, इस तरह से भी इसका कोई काम नहीं होता। ये जो स्मार्ट वॉचेज होती हैं सिर्फ एग्जैक्ट सिर्फ दबाने से इनका बटन काम करता और इनके अंदर बटन के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया हुआ है, इसको हम उतार लेते हैं। उसके बाद हमारी स्मार्ट वॉच हमारे सामने है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये स्मार्ट वॉचेस जो होती हैं ना, इनके अंदर सिर्फ ब्लूटूथ होता है, मोबाइल फोन से ही कनेक्टेड हो जाती हैं और इनके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं होता, जैसा कि सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, स्पीकर, ये फंक्शन हैं स्मार्ट वॉचेस के अंदर। जो स्मार्ट हेल्थ वॉचेज होती हैं उनके अंदर आमतौर पर नहीं होते। तो अब सबसे पहले हम इसके जो पटे हैं वो डालते हैं। ये वाला जो है मैं इसके ऊपर की तरफ लगाता है, बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखें तो एक पिन सी बनी हुई है, आप इसको जो पकड़ कर पहले इस तरफ से डालेंगे, दूसरी तरफ से आप ये जो पिन है इसको दबाकर आप डाल सकते हैं। ये अगर आप दूसरा लगाते हैं तो दोस्तों अब हम अपनी वॉच को ऑन करते हैं। इस बटन को हम अगर दबाए रखें तो ये वॉच जो है चांदी सेकंड के अंदर ऑन हो जाएगी। यहाँ पर इसकी वेव फन की ब्रांडिंग आ रही है और चांदी सेकंड के अंदर ये ले जी। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में कोई भी वक्त जो है नहीं लगता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले एक जो है क्लाक प्यारा सा आया हुआ है। तो अगर आपको ये पसंद आ जाए तो ठीक है, वरना आप इसके ऊपर चंद सेकेंड जो है उंगली को दबा कर रखें तो उसके बाद इसका डायल जो है आप चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए आप वही डायल जो है इसके ऊपर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये पसंद आए तो मैं इसके ऊपर रख दूँगा, तो अब ये देखिए ये डायल जो है हमारे पास आ गया। यहाँ पर इसके ऊपर बैटरी नीचे बताई जा रही है, ऊपर जितने कदम आपने उठाए हैं ये और कितना फासला तय किया, कितनी कैलोरीज बर्न किए हैं, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम इसके कुछ बेसिक फीचर जो है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों कि इसके जो है एक ही बटन है, उसको दबाने से इसकी जो है स्क्रीन ऑन होती है और इसको दबाने से स्क्रीन जो ऑफ हो जाती है। और अगर आप इसको यूँ इस तरफ को स्वाइप करेंगे ना, उसके बाद इसके मेन फीचर जो है खुलना शुरू हो जाएंगे। यूँ देखिए जिनसे जैसे मैं करता हूँ तो एक ये ऑप्शन जो है इसका मेन मेन्यू जो है खुल गया है। इसको दबाऊंगा तो पीछे आएगा, यानी कि ये जो बटन है ये बैक बटन है इसका, ये याद रखिए ये इसका बैक बटन है और इसी से ही वॉच हमारी ऑन होती है। तो देखिए ऑन होगी वॉच, अब मैं यूँ करता हूँ स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। सबसे पहले अगर आप देखें तो स्पीडोमीटर है, यानी कितना फासला तय किया, कितने स्टेप उठाए, कितनी कैलरीज बर्न की। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि इसको आप स्कैन करके आप इसकी एप्लीकेशन जो है फांडू एप्लीकेशन इसकी है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मैं अपने मोबाइल के अंदर कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिखाएं तो ये एक्सरसाइज मोड है, वॉकिंग के दौरान आप इसको ऑन करें, इनडोर वॉकिंग जो है, आउटडोर रनिंग जो है, और इसके अलावा जो है क्लिंबिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी आपको। मिसाल के तौर पर अगर मैं साइकिलिंग करता हूँ तो जब मैं साइकिलिंग शुरू करूँगा तो आप मैं यहाँ पर दबा दूंगा तो मेरा जो है ये स्टार्ट कर देगा कि आपने साइकिलिंग शुरू कर दी। जब ही मैं अपनी साइकिलिंग मुकम्मल कर लूँगा आधा घंटा 50 मिनट जितनी भी, उसके बाद मैं इस बटन को दबाकर यहाँ से इसको स्टॉप कर सकता हूँ। अब स्टॉप कर दूंगा तो कह रहा है कि ये डेटा बहुत छोटा, ये सेव नहीं हो सकता, वरना अगर 10-20 मिनट का डेटा होता तो इसने सेव कर लेना था और बता देना था कि आपने ये भी आज ये एक्सरसाइज एक्टिविटी की है। उसके बाद आगे जाइए तो यहाँ पर इसके जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग फीचर हैं।
हार्ट रेट आपका कितना है, बीपी कितना है और ऑक्सीजन लेवल कितना है, तीन चीजें ये बताती है। तीनों को अभी चेक करके हम देखते हैं उसको। आगे जाइए उसके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डेली एक्सरसाइज का रिकॉर्ड है कि आपने डेली कितनी एक्सरसाइज की। तो फिर वो कह रहे हैं कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं है। उस आगे जाएं तो यहाँ पर दोस्तों आपकी नींद का रिकॉर्ड आ रहा है कि आप कितना अरसा सोए, कितनी आपने डीप नींद ली, कितनी लाइट नींद ली, ये तमाम यहाँ पर रिकॉर्ड आएगा, जो कि अभी फिर वक्त कोई भी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हमने जस्ट ऑन किए। उसके बाद आगे जाइए तो ये वाजिब म्यूजिक मोड है, तो कह रहा है कनेक्टेड नहीं। अगर ये कनेक्टेड होती तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल फोन से म्यूजिक को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये अलार्म है, अलार्म आप सेट कर सकते हो। आगे जाओ काउंट डाउन टाइमर है, उसके बाद आगे जाओ तो ये स्टॉप वॉच है, उसके आगे जाओ तो मोबाइल फोन गुम हो जाए आपका, कहीं घर में मिल ना रहा हो तो आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपका मोबाइल फोन जो रिंग करना शुरू कर देगा जबरदस्त। उसके बाद सेटिंग है, सेटिंग के अंदर आप जाएं तो आप इसकी ब्राइटनेस को फुल, कम, उससे ज्यादा तीन स्टेप है ब्राइटनेस के, तो फिर वक्त मैं फुल ही इसको कर देता हूँ। फुल करने के बाद मैं यहाँ से बैक बटन पर आ जाता हूँ। लाइट कितनी देर के बाद आपकी स्क्रीन लाइट बंद हो जाए, तो फिर वक्त मैं इसको 40-50 सेकंड के ऊपर कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख सके। उसके बाद ब्लूटूथ कैमरा, कैमरे से आपने तस्वीर खींचनी है तो वो भी यहां से खींच सकते हैं। मैं बैग आता हूं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप दोस्तों इसको यूं इस तरह स्वैप करेंगे तो यहां पर मैसेज की ऑप्शन आ गई। अब जो भी आपके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के मैसेज आएंगे या वैसे मैसेज आएंगे या कॉल्स आएंगी, उन सबका रिकॉर्ड यहां पर आएगा। इवन के आप मोबाइल फोन की तमाम एप्लीकेशन के जो नोटिफिकेशन है वो यहां से देख सकते हैं, जिस चीज को आप मोबाइल फोन से ऑन कर देंगे। ये भी चंद सेकंड में मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों इसको ऊपर को स्वाइप करें तो आपने कितने स्टेप लिए ये बताएगा। अगर आप इसके नीचे को स्वैप करें तो उसके बाद आपकी बैटरी कितनी है और चंद सेटिंग्स ये आपको बताई जाएंगी। दोस्तों हमारी स्मार्ट वॉच जो है हमारे मोबाइल फोन से कनेक्टेड हो चुकी है। यहाँ पर मोर के अंदर आप जाएं तो उसके बाद है ऐप नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर तमाम एप्लीकेशन जो इस मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल है हमारे पास आ गई हैं। तो मैं यहाँ पर इसको भी चेक कर लगा देता हूँ ताकि बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन मुझे सेंड किए जा सकें। फिर मैं कॉल को भी यस कर देता हूँ ताकि कॉल का मुझे नोटिफिकेशन भी मिले। उसके बाद SMS का नोटिफिकेशन भी मैं वसूल करना चाहता हूँ। इसके अलावा और कौन सी ऐप मुझे नोटिफिकेशन दे तो मुझे WhatsApp की नोटिफिकेशन देंगे चाहिए तो वो भी यहाँ पर पहले से ऑन है। अब ये जो मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर दी, अब इसके बाद जो भी मेरा मैसेज है इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आएगा वो मुझे जो है अपने टैब के ऊपर रिसीव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सेम मैसेज है मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुका है। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, मैं अगर मैसेज मैंने पढ़ना हो तो मैं इसको यूँ इस तरफ को स्वाइप करूँगा तो उसके बाद यूँ भी मेरा व्हाट्सअप का मैसेज होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो कह रहा है कि माजिद गुराए ने मैसेज सेंड किया, इसके ऊपर क्लिक अगर करूँ मैं तो देखिए तो हाय माजिद लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से कोई भी मैसेज आपका हो, चाहे व्हाट्सअप का हो, चाहे इसके अलावा और किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन हो, आपने नोटिफिकेशन ऑन करना है तो जो भी नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आएंगे वो तमाम के तमाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अलबत्त इसमें यह है कि आप उस मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते, आप वॉइस मैसेज जो है वो नहीं सुन सकते, आप जनाब तस्वीरें नहीं देख सकते, जस्ट टेक्स्ट SMS जो भी यहाँ पर आएंगे वो तमाम के तमाम आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। इसके अंदर जस्ट जो है वाइब्रेटर लगा हुआ, जब आपके ऊपर यहाँ पर हो तो वाइब्रेशन करती है, उससे ही तमाम की तमाम आपको मालूमात जो है मुहैया की जाती है। इसके अंदर कोई माइक, कोई सिम कार्ड, कोई मेमोरी कार्ड, कोई स्पीकर कुछ भी नहीं, जस्ट इसके अंदर जो है वाइब्रेटर है, LCD स्क्रीन है और ये मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड होती है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी क्या क्या चीज़ें जो है मालूम कर देती है। तो इसको हम अपनी कलाई के ऊपर बांधते हैं, मैंने जो इसको अपनी कलाई के ऊपर बांध लिया तो इस बटन से मैं इस तरह को करता हूँ स्वाइप तो हमारे फंक्शन जो है ऑन हो जाते हैं। मैं यहाँ पर जाकर सबसे पहले हार्ट रेट, तो हमें हार्ट रेट जो है मालूम करना है, तो उसके लिए चूंकि मुझे नहीं पता कि सही बताती है गलत बताती है, उसके लिए मैंने हाई एक्यूरेसी जो है स्पेशली मेडिकल का जो यूज़ होता है BPM मॉनिटर जो है मैंने लिया हुआ है। तो ऐसे करता हूँ कि मैं इसको अपनी फिंगर पर चढ़ा लेता हूँ तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये वॉच पे और ये दोनों सेम काम करते हैं या इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो ये मैंने ऑक्सीमीटर लिया हुआ है, ये मेरा जो है बीट्स पर मिनट बताएगा, तो फिर मैं उसको कंपेयर करूँगा इस मशीन से। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। अब हम आते हैं अपनी वॉच की तरफ, हार्ट बीट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो इसने मेरा जो है हार्ट बीट जो है BPM मालूम करना शुरू कर दिया। तो आप वेट करते हैं कि जब तक ये दोनों चीज़ें अपना डेटा कलेक्ट नहीं कर लेती। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 82 के करीब मेरा BPM आ रहा है, तो चलिए देखते हैं ऑक्सीमीटर कितना बताता है। जी जनाब, इसकी एक्यूरेसी इन दोनों की एक ही आई है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेवल की एक्यूरेसी चेक करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल की इसकी एक्यूरेसी कितनी है। पहले हम इससे मालूम कर लें, उसके बाद में आपको ऑक्सीमीटर दिखाता हूँ कि उसके ऊपर कितनी आती है। हम जो है चंद सेकेंड और मे बी मिनट तक वेट करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 97 इसने मेरा ऑक्सीजन लेवल डिटेक्ट किया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीमीटर के ऊपर कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसने 96 बताई है, जो कि दोनों बिल्कुल सेम आई है। दोस्तों अब हम इसकी ब्लड प्रेशर चेक करने की एक्यूरेसी देखते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ राइट क्लिक करने के बाद इसके ऊपर BP के अंदर जाते हैं, तो इसने हमारा ब्लड प्रेशर मालूम करना शुरू कर दिया। तो साथ ही हम अपना जो है डिजिटल मशीन वो भी ऑन करते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है।
दोस्तों बज़ाहर तो इन दोनों की रीडिंग्स जो हैं वो पास पास ही आई हैं, उसके अंदर कोई वाज़े तौर पर फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर अभी भी एक सवालिया निशान है जो कि डॉक्टर्स लगाते हैं। तो इसकी जो है ब्लड प्रेशर चेक करने की एक्यूरेसी जो है वो अप्रूवन नहीं है, उसके ऊपर हम भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आप इस वाच को उतारें उसके पीछे देखें तो जो ही आप हार्ट रेट या बीपी किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर एक जो है सेंसर जो है लाइट देनी शुरू कर देता है। ये देखिए यहाँ पर सेंसर जो है वो लाइट देनी उसने शुरू कर दी। दोस्तों इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है या और इसकी मालूमात क्या हैं, ये अच्छी है या बुरी है, इसके लिए मुझे इसको चंद दिन यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इसको चंद दिन यूज़ करके इससे आगे वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों मैं 5 दिन से स्मार्ट वॉच पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका ये जो डायल है ये मुझे प्यारा लगता है, इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है। तो आप देखते हैं कि इसने 5 दिन में हमारा क्या कुछ मालूम किया है। तो यहाँ पर देखें कि मैंने जो है 4157 जो पाँव हैं वो सुबह से उठाए हुए हैं, तो वो इसमें काउंट किए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर वर्कआउट की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हम नीचे को स्वाइप करें तो 60%, और देखिए 5 दिन के इस्तेमाल के बाद अभी भी इसकी बैटरी जो 60% पर है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसको जो है 1 वीक से ऊपर ही चलेगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल न्यू ली थी, इसलिए मैंने इसको कसरत से बार बार यूज़ किया, बार बार इसको छेड़ा ताकि मैं इसके फंक्शन समझ सकूँ, और अभी तक भी इसकी बैटरी 60% है। ये अमेजिंग है, मुझे ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैंने मोबाइल महंगे से महंगा भी लिया, 2 दिन के अंदर बैटरी मैं उसकी ख़त्म कर देता हूं, लेकिन ये देखने के मैंने इसको इतना ज़्यादा तंग किया, ये अमेजिंग है। इसकी बैटरी के बारे में मेरा इतना दिल खुश हुआ कि जिसकी हद नहीं। ये ऐसे ही है कि आप इसको चार्ज करें और भूल जाएँ, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन ये निकाल लेगी, तो 60% अभी भी है, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा चल जाएगी। तो अब अगर हम देखें तो इसको ऊपर को करते हैं, तो ये इसने बता दिया कि आपने 2.9 किलोमीटर सुबह का जो है सफ़र किया है, और 165.7 जो है कैलरीज यूज़ की हैं, और 4157 आपने पाँव उठाए हैं। अगर आप मज़ीद आगे चलें तो उसने बताया है कि आपकी हाईएस्ट जो है बीपीएम जो है वो 112 तक गया था और लोएस्ट 70 तक है, यानी मेरे दिल की धड़कन सबसे ज़्यादा जब हुई थी आज के दिन तो 112 हुई थी। उसके बाद आगे जाएं, उसने कहा है कि आप सुबह 5:49 पर उठे थे, ठीक है, ये मैं सोया हुआ था, मुझे नहीं पता कि कब उठा था, अभी मुझे स्मार्ट वॉच से ही पता चला वो आप, और मैंने जब सबसे ज़्यादा अच्छी नींद ली थी डीप नींद के अंदर था वो 2 बजे था, उसके बाद 3:49 पर मैं जो है लाइट नींद के अंदर चला गया था, मेरी जो नींद थी पूरी होगी। देखिए कैसा इसने फिटनेस ट्रैकर किया कि मेरी डीप नींद जो है उसका भी इसने अंदाज़ा कर लिया। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे जो पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड भी आ रहा है, ठीक है जी। पहले ये जो नीला जो है ना, बहुत ज़्यादा नीला, ये डीप नींद का साइन होता है कि आप, और ये जो लाइट नीला है ये हल्की नींद का है। तो ये यहाँ पर मुझे बताया गया है कि संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे सैटरडे आप किस किस दिन कितना ज़्यादा सोए थे, कब आपने कितनी नींद ली थी। तो ये फिटनेस ट्रैकर ज़बरदस्त है, मुझे इसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो दोस्तों ये था वेवसन ADS स्मार्ट वॉच, इसको आप फिटनेस ट्रैकर भी कह सकते हैं, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। अगर मुझे पसंद ना आया होता तो मैंने कहना था कि मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे तो लगता है कि ये सबको पसंद आने वाला है। इसकी सबसे जो टॉप चीज़ मैंने देखी है वो इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त है यार, दिल खुश कर दिया इसने। तो अगर आप चाहें तो आप इसको परचेज़ कर भी सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप इसको नेट से सर्च करके देख सकते हैं, ये अमेज़ॉन और AliExpress इस तरह की वेबसाइट है उनके ऊपर जो है अवेलेबल है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल देखने का, एंड पर मैं आपसे वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, आपकी नवाजिशों की बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।